नमस्कार, मैं एचके क्रिकेट गुरु में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार हादसे का शिकार हो गए हैं। रुड़की के पास उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और उसमें आग लग गई। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ऋषभ पंत के दाहिने घुटने के लिगामेंट फटने को लेकर चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI के डॉक्टरों के पैनल ने देहरादून में पंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ बैठक की है और यह निर्णय लिया गया है कि उनके लिगामेंट का इलाज BCCI की मेडिकल टीम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए पंत को विदेश भेजा जा सकता है। ESPN क्रिकेट इन्फो के मुताबिक ऋषभ पंत के दिमाग और रीढ़ की MRI के नतीजे सामान्य है। शुक्रवार की सुबह उत्तराखंड के रुड़की के पास एक गंभीर कार दुर्घटना में अपने चेहरे की चोटों, कटेफटे घावों और खरोचों को ठीक करने के लिए उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी की गई है। दर्द और सूजन के कारण उनके टखने और घुटने का MRI स्कैन कल तक के लिए टाल दिया गया है। पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत की माँ से बात की। फोन पर बातचीत के दौरान PM ने पंत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पंत को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेटर के जल्द ठीक होने की दुआ की थी।